हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, एकदम इजी तरीके से और एकदम परफेक्ट। बिल्कुल गारंटी के साथ हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल कहीं ये फटेगा नहीं और ना ही ये हार्ड होगा। पैकेट में जैसे दिखता है ना, सेम वैसे ही हम बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक एक रेसिपी को आप एक एक टिप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको पैकेट दिखा दे रहे हैं, हम कौन सा पैकेट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम उसके लिए हम यहाँ पे चीनी लिए हैं। पहले हम चाशनी बनाएंगे, तो चाशनी के लिए यहाँ पे हमने चीनी लिया है 1 kg। और यहाँ आप देख लीजिए पैकेट पे जो दिखाया जा रहा, सेम वैसे ही हम बनाने वाले हैं। तो चलिए हम चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चाशनी के लिए यहाँ पे हम पानी ऐड करते हैं। पानी हमने नाप के ही हम पानी ऐड कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा कम है पानी, तो थोड़ा आया। और इसमें हम उबाल आने देंगे, जब तक चीनी घुल नहीं जाएगा तब तक उबाल नहीं आएगा। तो यहाँ चीनी अभी घुल जाएगा, तो यहाँ उबाल आ चुका है। और इसमें हम कुछ अभी नहीं डालेंगे, यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि अभी हुआ नहीं है। और इसमें हम अच्छे से इसे 5 मिनट तक उबाल लेंगे चाशनी को। यहाँ देखिए आप, तो यहाँ अभी 2 मिनट में हम उतार देंगे। और चलिए अब हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं, इसका डो लगाना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर गुलाब जामुन में आप चाहें तो पानी से भी, नॉर्मल पानी से भी आप इसे बना सकती हैं और दूध से भी। तो हम इसे पानी से ही बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हम देख लेते हैं, इसमें कुछ गुठलियाँ तो नहीं है, इसलिए तो इसे हम चम्मच से तोड़ लेते हैं। और आप चाहें तो छन्नी से छान भी सकती हैं। तो लीजिए ये हो गया तैयार। अब हम इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे, एक बार में हमें इतना ही पानी ऐड करना है। और इसे हम चम्मच की मदद से मिला लेंगे। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा तरीका है बनाने का, बट हम नया तरीका आप सबके साथ लेके आए हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका डो लगा लेंगे। तो शुरू शुरू में ये ऐसे ही गीला होगा, तो ये हमने डो लगा लिया और एकदम नया तरीका है। और इसे हम चलिए ढक देते हैं अभी। अब यहाँ देखिए ढक देने के बाद से यहाँ पे हो गया हमारा डो एकदम अच्छे से तैयार बनाने लायक। तो हाथ में हम ऑयल लगा लेते हैं और यहाँ पे हम लोई बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। गोली आप चाहो तो लंबा भी बना सकते हो गोली, और गोल भी जैसे शेप देना चाहो आप गुलाब जामुन का वैसे शेप दे सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोई बना ले गोली बना लेते हैं एक शेप में। यहाँ देखिए कहीं दरार नहीं आया है। और आप रोटी जैसे आटा, रोटी जैसे गूंथ के आप बना लेते हैं तो वो फट जाएगा, एकदम गारंटी है कि फट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने ऑयल गरम कर लिया है, एक एक बैच में हम इसे तल लेंगे एकदम ब्राउन। और शुरू शुरू में आंच तेज़ रहेगा क्योंकि तेल गरम होने के लिए, और धीमी आंच पे हम इसे बनाएंगे एकदम सॉफ्ट और एकदम सॉफ्ट। गुलाब जामुन बन के रेडी होंगे। तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज होने लगा है। और ऐसे करके हम सारे बैच तल लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप, कहीं भी फटा नहीं है, एकदम सॉफ्ट और एकदम स्मूथ बन के रेडी हुआ है। तो ऐसे करके हम सारा तल लेते हैं गुलाब जामुन को। देख लीजिए आप, बहुत ही परफेक्ट बना है। और ऐसे करके हम सारे बैच को तल लेंगे और एकदम धीमी आंच पे आपको तलने हैं इसे।
आप ऐसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम गारंटी है कि नहीं फटेगा। और चलिए हम सब तैयार कर लेते हैं। और यहाँ रहा, अभी हमने चाशनी में ऐड कर दिया है सब गुलाब जामुन, और ऊपर से हम इसमें ऐड कर लेते हैं अच्छी स्वाद के लिए और इलायची सफ़ेद वाली, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और यहाँ आप देख लीजिए, एक भी गुलाब जामुन टूटा नहीं है और ना ही कहीं फटा है। तो चलिए हम चाशनी में डालने के बाद से हमें 5 मिनट तक इसे छोड़ देने, ताकि अंदर तक चाशनी जाए इसमें और अच्छे से ये फूल जाए। तो चलिए 5 मिनट के बाद से यहाँ पे रेडी है, तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, एकदम अंदर तक इसमें चाशनी चला गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, कहीं भी कोई टूटा नहीं है, ना ही कोई दरार आया है। तो वीडियो कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।